हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है और बीटीसी के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये फैसला जो है वो फाइनल है या इस पर अभी और भी कुछ होना बाकी है, क्या ये चेंज भी हो सकता है डिसीज़न या फिर नहीं। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि केवीएस की कट ऑफ पर कितना असर इसका पड़ने वाला है। अगर ये चीज़ें जो है बनी रहती है तो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आने में उसकी कट ऑफ पर क्या इसका असर पड़ेगा। वहीं इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि यूपी टेट आपका कब तक आएगा और उसकी तैयारी करने के लिए आप किन किन साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोर्सेज क्या आपके रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आज तक देखिएगा, आपको खूब सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम जो हमारा मेन मुद्दा है इस पर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को खारिज कर दिया गया है। बीटीसी डीएलएड की जीत हो गई है और भारत सरकार बीएड और एनसीटीई की याचिका खारिज कर दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को यहाँ पर सही बताते हुए, यानी कि पूरे भारत में अब प्राथमिक में सिर्फ बीटीसी या डीएलएड वाले ही पात्र रहेंगे। पहले अभी तक हो रहा था कि बीएड वाले भी यहाँ पर प्राइमरी में शामिल हो रहे थे, चाहे वो केवीएस का एग्ज़ाम ले लो या फिर DSSSB का ले लो, है ना। तो अब ये पूरे भारत में ही यहाँ पर लागू होगा। बीएड को बाहर कर दिया गया है हमेशा के लिए, अगर हम अभी तक की जानकारी को बात करें। अब दोस्तों, इस पर जो पूरा रिटर्न में सारे के सारे जो भी बहस हुई है कोर्ट में, उसको डिटेल में आने में अभी समय लगेगा, शाम तक वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये आपके यहाँ पर केस की डिटेल दिए गए हैं, केस नंबर क्या है, ठीक है, कौन कौन इसमें शामिल था इस जजमेंट में, वो सारी चीज़ें दी गई है। मिस्टर जस्टिस सुधांशु धूलिया और बाकी सारी चीज़ें इसमें गिवन है, ठीक है। और आगे बढ़े यहीं पर दोस्तों, एक और चीज़ केवीएस की कट ऑफ पर हम बात कर लेते हैं। देखो, जितने भी बीएड वाले हैं उन्हीं बच्चों के ज़्यादातर आपके 135+ मार्क्स देखने को मिल रहे थे, यानी ज़्यादा जो स्कोर करने वाले बच्चे थे वो बीएड वाले ही थे केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम में भी। तो अगर यहाँ पर बीएड को फाइनली, क्योंकि अभी केवीएस की तरफ से भी अपना चीज़ें क्लियर करी जाएगी, उसके बाद ही फाइनल डिसीज़न निकलेगा। अगर ये चीज़ें बिल्कुल सटीक जाती है तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा, आपकी कट ऑफ में धड़ाम से नीचे गिरेगी। बीएड के बाहर होते ही यहाँ पर आपकी केवीएस के रिज़ल्ट में एकदम बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 120 से कम वाले भी उम्मीद लगा सकेंगे, अपने सिलेक्शन के चांसेस उनके भी बढ़ जाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि जिन्होंने सीटेट के लिए अप्लाई नहीं किया था और अब यूपी टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यूपी टेट के लिए भी जल्द ही आपका अपडेट मिलेगी आपको कि किस तरीके से कब तक फॉर्म भरे जाने हैं। जो भी इसकी अपडेट आएगी वो भी आपको जल्द ही सूचित करी जाएगी। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके सामने मैं कुछ चीज़ें शेयर कर देती हूँ कि कहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीटीईटी परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है। तो आपके सामने ये जो सैंपल दिख रहा है ये है चक्षु पब्लिकेशन की बुक। अब हम देख लेते हैं ये क्यों खास है। जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सैंपल स्टडी गाइड का है, पेपर वन के लिए, जो कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए होता है। इसमें सारे के सारे विषय अवेलेबल हैं एक ही गाइड में, जैसे कि बाल विकास, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के सहित ये पूरी गाइड आपको मिलेगी, जिसमें 4 प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं और 3000 से ज़्यादा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस इसमें गिवन है। और साथ ही साथ इसमें किस चैप्टर से किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, विश्लेषण चार्ट भी पूरा दिया गया है। न्यूनतम नवीनतम पैटर्न पर ये आधारित रहने वाली है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बुक की स्टार्टिंग में ये विश्लेषण चार्ट दिया गया है, जिसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं पिछले सालों में लगातार, तो वो आप यहाँ पर ईजिली देख पाएंगे। सो इस गाइड में आपको पूरी थ्योरी भी मिलेगी। अब यही बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं क्या, तो बिल्कुल यूपी टेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर अवेलेबल है। पेपर वन के लिए
यहाँ आप देख पाएंगे कि इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है और 7 है सोल्व प्रीवियस ईयर पेपर, 2000 से ज़्यादा इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस बुक को आप ऑनलाइन लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वहाँ से परचेज कर सकते हैं, आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी ये अवेलेबल हो जाएगी।